मैं कुछ समझा नहीं। देखिए एक्चुअली बात दरअसल ये है कि देखिए अगर कोई ऐसी बात है जो हमारे लिए जानना जरूरी है तो बिला झिझक बता दीजिए हमें। मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। बस एक दरख्वास्त है आपसे, मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ अकेले, बगैर किसी दबाव के, बगैर उसे ये पता चले कि हमारे यहाँ से उसके लिए रिश्ता है। एक दफा बस मेरा उससे बात करना जरूरी है, उसके बाद जो भी कुछ है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई एतराज होगा। अहमद, अहमद जल्दी आओ, रेडी नहीं हुआ अभी तक। हमारा बाहर जाके खेल, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? अरीज बेटे, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। ये कौन सा तरीका है बात करने का? ये वही है जो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। क्या आप जानते भी हैं कि ये लोग कौन है? अरीज, just listen to me. आप मेरी बात सुने, चैन नहीं मिला आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके, जो दोबारा मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ गए यहाँ पे? क्या हो रहा है भाई? ये वही है जिसकी वजह से मुझे सिकंदर के हवाले कर दिया गया था। जिसके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ के मुझे तोहफे में कैद की जिंदगी दी गई थी। कितने झूठ बोलेंगे आप मुझसे, मेरे घर वालों से, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए? हाँ, कितने झूठ बोलेंगे? रीज, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। जो कुछ भी हो उसके ऊपर से बहुत शर्मिंदगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा अफसोस, तुम्हारी शर्मिंदगी। अकेला क्यों नहीं छोड़ देते आप लोग मुझे? चलो बेटे। अरे रुकिए तो, हमें माफ कीजिएगा, हमारा यहाँ आने का हर किसी मकसद नहीं था कि आपके घर का माहौल खराब हो। आंटी,